नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मलिक हजारात श्री आदिनाथ भगवान की। ऐसा लग रहा है कि आप सो गए हैं, नींद में बोल रहे जाए। बोलिए भूगर्भ से प्रैक्टिस श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। बड़ी जल्दी जाग गए। बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए विश्ववंदनी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। सभी प्राणी सुख के लिए प्रयास करते हैं। किसके लिए करते कि नहीं करते? आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, किस लिए करते हो? दुख के लिए या सुख के लिए? अरे जोर से बोलो ना, सुख के लिए। पक्का? बच्चे स्कूल जाते हैं, क्यों जाते हैं? पढ़ाई करके क्या होगा? पढ़ाई करके क्या होगा, क्यों पढ़ना चाहते हैं? बड़ी बड़ी पढ़ाई करते हैं, 16-16 घंटे पढ़ते हैं, 18-18 घंटे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आगे सुख मिलेगा, पैसा कमाएंगे तो वहीं से करो, है ना, सुख मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, क्यों? सुख मिलेगा खाने में। खाना तो ऐसे सादा भी खाओगे तो पेट भर जाएगा, लेकिन अच्छा अच्छा क्यों बनाया? 10 तरह के डिश क्यों बनाते? इस थाली में चटनी भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, अचार भी चाहिए, नमक भी चाहिए, जीरा मन भी चाहिए, दो सब्जी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, पराठा भी चाहिए, बारिश हो रही है तो पकौड़ी भी चाहिए, कचौड़ी भी चाहिए, ये सब क्यों? सुख के लिए। किस लिए? सुख के लिए। अच्छे अच्छे कपड़े क्यों पहनते हो? बोलो ना, सुख के लिए। किसके लिए? भाई ये तो समझ में आता है कि जब हम भोजन रसगुल्ला मुंह में जाता है तो स्वाद आता है, लेकिन कपड़े शरीर से टच होते हैं तो कौन सा स्वाद आता है? उसमें तो स्वाद भी नहीं आता है ना, क्यों खाया जाता है? हाँ, बात चल रही थी कि भाई जैसे तुमने डीओ छिड़का तो नाक के अंदर गया, खुशबू आई, तुम्हें आनंद मिला, ठीक है। मीठे मीठे शब्द सुने, अच्छे अच्छे गाने सुने तो कान के अंदर गए, तो समझ में आता कान के अंदर गए हैं। अब ये अच्छे अच्छे कपड़े पहनते तो ये कहाँ जाते हैं? ये तो टच ही कर रहे हैं, स्वाद कहाँ आ रहा है? फिर ये अच्छे अच्छे कपड़े क्यों पहने जाते हैं? इतना पैसा खर्च क्यों किया जाता है? लाखों करोड़ों की ज्वेलरी क्यों पहनी जाती है? कौन सा सुख मिलता है इसमें? खाने में तो जीभ का सुख मिलता है, है ना, सुनने में कान का सुख मिलता है, सूंघने में नाक का सुख मिलता है, कपड़े से कौन सा सुख मिलता है? अरे बोलो ना, आँखों का सुख मिलता है। कौन सा सुख मिलता है? आँखों का सुख मिलता है, है ना। अच्छी अच्छी कोठी क्यों बनाई जाती है करोड़ों की? कोठी तो चलो, कपड़े तो फिर भी टच कर रहे हैं शरीर को, कोठी तो टच भी नहीं करती हमें, हम ही जाके छुएंगे तभी छुई जाएगी, नहीं तो वो तो हमें टच भी नहीं करती है। फिर ये अच्छे अच्छे कोठी क्यों बनाई? आँखों के लिए, दिखाने के लिए। आँखों का काम क्या है? देखना और दिखाना। हम तो देख रहे हैं, मगर दुनिया देख ले कि मैंने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, दुनिया देख ले कि मैंने कितनी अच्छी कोठी बनाई है। अभिमान, आँखों से अभिमान का पानी डाला जाता है, है ना। इसी तरह से फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान खोलते हैं सुख पाने के लिए। किस लिए?
सुख पाने के लिए। अच्छा, कभी किसी की ये भी इच्छा हो सकती है कि एक बार प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने का मौका मिल जाए, ऐसी इच्छा हो सकती कि नहीं हो सकती? अरे बोलो ना, एक बार हाथ मिला लें, सेल्फी ले लें, फोटो खिंचवा लें, फिर वो फोटो का क्या करोगे तुम? व्हाट्सएप में डालोगे, स्टेटस में लगाओगे, फेसबुक में डालोगे, अपने घर में फ्रेम बना के बड़ा सा अपने घर के मुख्य कमरे में लगाओगे, जहां सब आते जाते, भगवान का लगाओ ना लगाओ, प्रधानमंत्री का जरूर लगाओगे। लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अरे बोलो ना, लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, हो ही नहीं सकता कि ना लगाएं। और काला रुचि करके, मैंने देखो एक बार प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया था, मिला था मैं प्रधानमंत्री से, तो प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने में सुख मिला? अरे बोलो ना, काय का सुख मिला? थोड़ा सा वेश बढ़ा दो, कैसा सुख मिला? सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, चप्पलें घिस देते हैं, जूते घिस देते हैं, किसके लिए? सुख के लिए। चलिए, अभी आपने जितने नाम लिए कि इनमें सुख मिलता है, अब आपसे पूछती हूँ कि आपको यदि ये कह दिया जाए कि आपको 24 घंटे प्रधानमंत्री के साथ रहना है और सारी जिंदगी रहना है, अभी तो आपको एक बार हाथ मिलाने का सुख मिल रहा था ना, अब जब हाथ मिलाने में सुख है तो सारी जिंदगी साथ में रहने में सुख होगा कि नहीं होगा? आप तो एक बार हाथ मिलाने को तरस रहे हो, मैं तो आपको सारी जिंदगी का सुख दे रही हूं। बोलिए, तैयार हो? सुख मिलेगा नहीं मिलेगा? क्यों? अभी तो आप हाथ मिलाने के लिए तरस रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, व्हाट्सएप में डाल रहे थे, फेसबुक में डाल रहे थे, घर में लगा रहे थे, अब जिनको तुम हाथ मिलाने के लिए कह रहे थे उनके साथ आपको 24 घंटे रहना है, सुख मिलेगा नहीं मिलेगा? यदि हाथ मिलाने में सुख है तो 24 घंटा साथ में रहने में तो और ज्यादा सुख होना चाहिए, कम कैसे हो गया? यदि एक रसगुल्ला खाने में सुख है तो 10, 20, 50 रसगुल्ला खाने में उससे ज्यादा सुख मिलना चाहिए? अरे बोलिए ना, नहीं मिलेगा। बच्चों को मैगी अच्छी लगती है, ऐसा करो कि दूध रोटी सब्जी सब छोड़ दो, पानी भी छोड़ दो, अकेले मैगी खिलाओ बस, और कुछ मत देना खाने के लिए, तैयार हो? क्यों, सुख मिलता है मैगी खाने में? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये सुख है या दुख है? जिसे आपने सुख कहा है वो सुख है कि दुख है? मान लो अब मौसम थोड़ा ठंडा सा हो रहा है, नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए, कैसा पानी चाहिए? गर्म पानी। गर्म पानी कितना गर्म चाहिए? हल्का गर्म चाहिए। हल्का गर्म चाहिए तो ठीक है, और यदि गर्म उबलता हुआ दे दिया जाए तो? भाई गर्म तो गर्म है, गर्म की मात्रा बढ़ाई गई है, पानी तो गर्म है, एक उबलता हुआ पानी है वो भी गर्म है, एक कम गर्म है वो भी गर्म है, गर्म की मात्रा तो है ना दोनों में? बात को समझने का प्रयास करो, मात्रा तो गर्म की ही है ना, है? अब वो चाहे कम गर्म की हो चाहे ज्यादा गर्म की हो, नाम क्या होगा? गर्म। नाम क्या होगा? गरम। आपने कम गरम को सुख मान लिया और ज्यादा गरम को दुख मान लिया, एक रसगुल्ले को सुख मान लिया और ज्यादा रसगुल्ले को तो सुख नहीं है, वो दुख का छोटा रूप है। जैसे गरम तो गरम है, चाहे कम गरम हो चाहे ज्यादा गरम हो, नाम तो गरम ही कहा जाएगा, ऐसे चाहे दुख थोड़ा हो चाहे दुख ज्यादा हो, नाम तो दुख ही आएगा, दुख की मात्रा कम है। जैसे गर्म की मात्रा कम है तो तुम्हें सुख महसूस हो रहा है, तो सुख नहीं गर्म तो है, ऐसे ही दुख की मात्रा जहां कम होती है उसे हम सुख मानते हैं, और दुख की मात्रा उसमें जब बढ़ जाती है तो हम उसे दुख मानते हैं, जबकि मात्रा तो दुख की उसके अंदर में है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक रसगुल्ला खाने में सुख महसूस हो रहा है कि दुख महसूस हो रहा है? दुख की मात्रा कम है इसीलिए सुख महसूस हो रहा है, दुख की
मात्रा कम है। अब आपने एक रसगुल्ला खाया, भाई साहब एक और ले लिया। अब वहाँ 10-20-25 लोग खड़े हैं और कोई बड़ा आदमी आया तो सब चाहेंगे सब लोग एक एक रसगुल्ला खिलाएं उसको, भाई साहब मेरे हाथ से एक और, भाई साहब मेरे हाथ से। अब वो यदि 50 रसगुल्ला खा ले तो क्या होगा, उल्टी होएगी कि नहीं होएगी? भाई रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी चीज़ है, यदि अच्छी चीज़ है तो सुख बढ़ना चाहिए था या घटना चाहिए था, बताइए मुझे। यदि रसगुल्ला खाने में सुख है तो एक रसगुल्ला में जितना सुख मिला है उससे ज़्यादा दूसरे रसगुल्ले में मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा तीसरे रसगुल्ले में मिलना चाहिए, और 50वें रसगुल्ले में तो इतना सुख मिलना चाहिए जितना मोक्ष में मिल जाता है। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं है। एक रसगुल्ले में सुख लगा और 50 रसगुल्लों में दुख लगा, तो ये सुख नहीं है, ये दुख की मात्रा कम होने से हमने उसे सुख मान लिया है। जिस कोठी में आप रहते हो जब आपने बनाई थी तो उस समय आपके अंदर कितनी उमंग थी, कितना उत्साह था, नई कोठी बनाई है, वहाँ जाना है, वहाँ रहना है, सारे दिन कोठी कोठी नजर आ रही थी, बड़ी खुशी थी अंदर में, लहर उठ रही थी खुशी की, किसके लिए? कोठी के लिए। किसके लिए? कोठी के लिए। और फिर आपने उद्घाटन किया, उसका नांगल किया और उसमें बहुत लोगों को बुलाया, उस दिन का तो पूछो मत कि कितनी खुशी थी, सबको दिखाना चाह रहे थे, कोई देख तो ले, आप किचन भी देखना, देख मैंने कैसी किचन बनवाई है, ड्राइंग रूम में देख मैंने ये भी लगवाया है, ऊपर वाले छत पे मैंने ये भी लगवाया है, बड़ी प्रसन्नता थी, बड़ी खुशी थी। अब हो गया उद्घाटन, आप उसमें रहने लगे। अब एक महीना हो गया, दो महीना हो गया, तीन महीना हो गया, एक साल हो गया, तो जो खुशी आपको पहले दिन थी उद्घाटन वाले दिन, क्या एक साल बाद भी वही रहती है? अरे बोलिए ना, नहीं रहती है। क्यों? यदि खुशी मिलनी है, सुख मिलना है, तो जितना पहले दिन था एक साल में उससे 100 गुना बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन पता ही नहीं चलता कि वो सुख भी है। जब नहीं थी तब सुख महसूस हो रहा था और जब मिल गई तो, यानी कितनी भी विशेष वस्तु हो या व्यक्ति हो, जब हमें मिल जाती है तो हमारे लिए उसके लिए कीमत खत्म हो जाती है और वो विशेष भी सामान्य बन जाता है। विशेष भी सामान्य बन जाता है कब? जब वो हमारे पास आ जाए। जब तक हमारे पास नहीं है तब तक वो विशेष है, और हमारे पास आते कीमत खत्म। बताओ कितनी बड़ी विडंबना, फूलों का हार कितनी खुशबू मार रहा है, क्या खुशबू आ रही फूलों के हार में से, और जो तुम्हारे गले में पड़ी और थोड़ी देर के बाद में शरीर की बदबू उसमें शुरू हो जाती है और वो फूल भी बदबूदार हो जाता है। किसने बनाया बदबूदार? बोलिए ना, हमने बनाया। हमारे पास कितनी भी विशेष चीज हो हम उसकी कीमत नहीं जानते हैं। जब वो हमारे हाथ से चली जाएगी दोबारा, ओहो फिर कीमत पता चलेगी। वो तो हमारे पास थी, इतनी बढ़िया थी। एक व्यक्ति था तो उसने सारे घर की सफाई करी, दो तीन भाई थे तो घर में दादाजी का एक तंबूरा पड़ा हुआ था, बजाने वाला तंबूरा वो रखा हुआ था, तो जब चूहे यहाँ वहाँ से कूदते आकर के तो उसमें से आवाज़ें निकलती, क्योंकि वो टच करते टनकार होती, रात को सो रहे हैं तब ज़्यादा होती, क्योंकि रात को चूहे बहुत परेशान करते हैं, तुम सोते हो और वो जागते, उन्हें तो नींद आती नहीं है, तुम्हें दिन भर काम करना इसलिए तुम रात को सोते हो, उन्हें तो काम है ही नहीं है, उनका काम ही घूमने का है, तो रात को जागते हैं, घूमते रहते हैं, अपने भोजन की तलाश करते रहते हैं। अब वो रात को जब भी चूहा निकलता तब भी आवाज़ आती तो नींद खराब हो जाती। तो जब घर की सफाई हुई तो सारे भाइयों ने मिलकर ये विचार बनाया कि ये जो तंबूरा है इसको जो है फेंक दिया जाए, निकाल दिया जाए, बहुत परेशानी होती है इससे, वो निकाल करके बाहर डाल दिया। उधर से कोई तंबूरा बजाने वाला निकला और उसने देखा, अरे ये तो इतना बढ़िया तंबूरा और ये कचरे के ढेर में पड़ा हुआ है। उसने उठाया और बजाकर देखा कि सही बज रहा है कि नहीं बज रहा है। उसने बजाना शुरू किया, चारों तरफ से लोग निकल के आ गए, वो तीनों चारों भाई आ गए, अरे ये तो हमारा है।
ये तो हमारा तमूरा है, कितना अच्छा बज रहा है, लाइए हमारा। बोले जी नहीं, आपका नहीं, मुझे तो यहाँ पड़ा मिला। अरे हमने ही तो रखा, आपने रखा क्यों? जब तक घर में था तब तक कीमत नहीं थी, निकाल के बाहर फेंक दिया, किसी और ने उसका उपयोग कर लिया तो हमें कीमत समझ में आ रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कितनी भी विशेष वस्तु हमारे पास में आ जाए, हम उसकी कीमत नहीं करते हैं। आज हमारे पास में देवदर्शन है, आज हमारे पास में जिनेंद्र भगवान है, आज हमारे पास में विशाल मंदिर है, कोई कीमत नहीं। इच्छा हुई तो चले गए, नहीं हुई तो नहीं गए। अब मान लो बाई चांस किसी कारण बस त्रियंच बन के वहीं आसपास में पैदा हो गए, आपके लिए नहीं कह रही हूँ, किसी और की चर्चा है, बाई चांस की बात चल रही है, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना पुण्य तो कर नहीं रहे कि स्वर्ग जाए, और इतना पाप भी नहीं कर रहे कि नरक जाए, आप बचे बीच वाले। बात समझ में आई कि नहीं? इतना पुण्य नहीं कर रहे कि स्वर्ग जाए, इतना पाप भी नहीं कर रहे कि नरक जाना पड़े, और मनुष्य भी बन पाए ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो अब चौथा ऑप्शन कौन सा बचा? अब वही बचा। तो अब वो मान लो मर करके उसी मोहल्ले में कुत्ता बना और उसे जाति स्मरण हो गया, ओहो मैं तो जैनी था और मुझे मंदिर जाने का मौका भी मिला, मुझे पूजा करने के लिए हाथ भी मिले, मुझे सब कुछ मिला था और मैंने कुछ नहीं किया, अब मैं मंदिर रोज जाऊंगा। कौन क्या सोच रहा है? कुत्ता सोच रहा है। कौन सोच रहा है? अब जा सकता है क्या? जैसे ही वो घुसेगा तो क्या होगा? मार के भगा दिया जाएगा, भगाया जाएगा ना। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब तक हमारे पास ये मनुष्य पर्याय है तब तक हमें इसकी कीमत समझ में नहीं आ रही है। जब ये मनुष्य पर्याय हमारे हाथ से चली जाएगी तब लगेगा हाय मैंने पूजा भी नहीं की, हाय मैंने भक्ति भी नहीं की, हाय हमने तीर्थ यात्रा भी नहीं करी, हम सारे दिन अपने घर गृहस्थी में लगे रहे, हमने स्वाध्याय भी नहीं किया, हमने माला भी नहीं फेरी, हे भगवान एक बार, बस एक बार और मनुष्य पर्याय दे दे। लेकिन फिर मनुष्य पर्याय बाई चांस से मिल भी गई प्रार्थना करने से, फिर क्या करोगे? फिर वो ही करोगे जो पहले किया था। यहाँ भटकने के बहुत सारे साधन हैं। यदि कल्याण का मार्ग यहाँ से खुलता है तो भटकने की व्यवस्था भी यहीं पर सबसे ज्यादा है। पशु गति में इतनी भटकने की व्यवस्था नहीं है, वो भौंक लेते हैं बैठ जाते हैं और क्या करेंगे? कुत्ता भौंक लेगा, लड़ लेगा, बैठ जाएगा और क्या करेगा? लेकिन मनुष्य उससे ज्यादा पाप कर सकता है। जितनी फिसलन, जितनी भौतिकता के प्रति आकर्षण मनुष्य के अंदर है, अन्य गति में नहीं है। और जितना मनुष्य धर्म करके पापों को काट सकता है, मोक्ष जा सकता है, ऐसा कार्य भी कोई और नहीं कर सकता है। हमारे पास में दोनों शक्तियां हैं, अब तुम किस शक्ति का उपयोग कर रहे हो ये देखने वाली बात है। आप केवल अपने शारीरिक स्तर पर जी रहे हो या मानसिक स्तर पर जिंदगी चल रही है ये आप देखो। श्रुत ज्ञान कर्म के क्षयोपशम से, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से बहुत अच्छी बुद्धि मिल गई, याद करने की क्षमता मिल गई, हर चीज को एक बार में सीख लेते हैं, एक बार किसी को कुछ बनाते देख लें तो याद हो जाता है, एक बार किसी का चेहरा देख लें तो याद हो जाता है। एक कर्म के उदय में हुआ श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। किसका है? श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। ये क्षयोपशम आज है और कल नहीं है। आज श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम अच्छा है, दुकान का हिसाब रख रहे हो, अपना हिसाब नहीं रखते, दुकान का हिसाब रखते हो, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। इसमें और कोई हिसाब नहीं कि मैंने कितने उपवास किए, कितने व्रत किए, कितने क्या स्वाध्याय किए, ये हिसाब नहीं है हमारे पास में। बस लेन देन का हिसाब सारी जिंदगी नोटों की उसमें जीते रहते हो। अब जवानी थी, बुद्धि अच्छी रही, धीरे धीरे बुढ़ापा आया, शुद्ध ज्ञानावरण का क्षयोपशम भी कम होना शुरू हो गया, और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि तुम अपने बच्चों को भी ना पहचानो। बुढ़ापे में एक समय ऐसा भी आ सकता है कि तुम अपने बच्चों को भी
ना पहचानो। यह कर्म के उदय में औदयिक भाव में श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। अब क्षयोपशम हमें मिल गया श्रुत ज्ञानावरण कर्म का, और इस श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को हमने स्वाध्याय में लगा दिया, हमने ध्यान में लगा दिया, हमने भक्ति में लगा दिया। ये हमारा पुरुषार्थ है, ये हमारा पुरुषार्थ है। तुमने ज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति करी है। क्या किया है तुमने? ज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति कर ली, और वहां तुमने क्या किया? ज्ञान से केवल नोटों का हिसाब किया। दोनों में अंतर है कि नहीं है? बुद्धि दोनों काम में लगती है। दुकान चलाओगे उसमें भी बुद्धि लगती है, और स्वाध्याय करोगे उसमें भी बुद्धि लगती है। लेकिन एक बुद्धि पाप कर्म का संचय करती है, और एक बुद्धि ज्ञान से ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ जो रतनलाल काला पंडित जी थे, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया है, कर्म कांड के प्रकांड विद्वान थे। मैंने उनसे पूछा कि आपने किससे पढ़ा? बोले माता जी थोड़ा बहुत तत्वार्थ सूत्र किसी पंडित जी से पढ़ा, बाकी मेरी रुचि बहुत थी। अपने आप अंदर से इच्छा होती थी कि मैं ये सब शास्त्र पढ़ूं। तो दिन में तो दुकान का काम करता था, और रात को 8 बजे से 12 बजे तक स्वाध्याय करता था। सुबह 4 बजे से 5 बजे तक 6 बजे तक स्वाध्याय करता था। तो जो ज्ञान किसी ने नहीं सिखाया, और अपने आप किताब को पढ़ा और समझ में आ गया, जबकि कर्म कांड आदि जो सिद्धांत के विषय ऐसे हैं, बिना किसी के समझाए समझ में नहीं आ सकते, इतना कठिन विषय है। लेकिन उन्होंने मात्र पढ़ के समझ लिया। ये ज्ञान कहाँ से आया? उन्होंने पूर्व जन्म में प्राप्त किया होगा, वो उनके साथ चला आया, और इस जन्म में एक बार देखा और याद हो गया, सब समझ में आ गया। तो ये ज्ञान जो हम यहाँ पर स्वाध्याय के रूप में करते हैं, अपने आत्म ध्यान के रूप में करते हैं, अपने भक्ति के रूप में करते हैं, ये हमारे साथ जाता है और हर जन्म में साथ निभाता है। लेकिन जिस ज्ञान से सारे दिन दुकान चलाते हो, सारे दिन भोजन बनाते, यूट्यूब में निकाल निकाल के कि आज ये बनाना है, ये करते हो और अपने घर गृहस्थी का पालन पोषण करते हो, ये ज्ञान तुम्हारे साथ जाएगा तो सही, ज्ञान नहीं जाएगा, ये अज्ञान रूप होकर के जाएगा जो तुम्हें आने वाले समय में भटका देगा। तो सुख कहां से है? ज्ञान से। सुख कहां से आएगा? ज्ञान से आएगा। मान लो बहुत टेंशन हो रही है घर में रह के, बहुत टेंशन हो रही है, प्रवचन सुनने चले गए और प्रवचन सुने, ओहो महाराज ने तो बताया जब संसार ही अपना नहीं है, शरीर ही अपना नहीं है, तो हम किसकी चिंता करें? लो टेंशन खत्म। टेंशन खत्म कैसे हुई? ना कुछ लाए हैं, ना कुछ ले जाना है। जो घाटा हुआ वो मेरा थोड़ी हुआ, यहीं का था, यहीं चला गया। आज नहीं गया, कल जाना था, आज नहीं जाता तो कल जाना था, चला गया। मेरा क्या गया? मेरा तो कुछ भी नहीं गया, मैं लेके कुछ नहीं आया था। ये कहाँ से ज्ञान हुआ? धर्म से। कहाँ से ज्ञान हुआ? तो टेंशन खत्म हुई कि नहीं हुई? सुख कहाँ से मिला? धर्म से। दुख कहाँ से मिला? संसार से। दुख कहाँ से मिला? संसार से। सुख कहाँ से मिला? धर्म से। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसीलिए स्वाध्याय करना अत्यंत जरूरी है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। हैं? हिंसा करने से दुख आता है कि सुख आता है? बोलिए ना, दुख आता है कि सुख? हिंसा करने से, जीवों को मारने से दुख आता है? झूठ बोलने से दुख आता है? चोरी करने से दुख आता है? अब्रह्म करने से दुख आता है? और परिग्रह इकट्ठा करने में सुख है कि दुख है? कितनी मेहनत करते हो, कितने कष्ट सहन करते, तब कहीं तो वही इकट्ठा होता है, और हो और ना हो ये भी कोई जरूरी नहीं होता है, है ना? तो अच्छा अब ये बताओ कि हिंसा करने में तो कुछ करना पड़ा, लेकिन यदि हिंसा ना करना हो तो कुछ करना पड़ेगा क्या? कुछ मत करो, आराम से बैठ जाओ, जीव की हिंसा हुई नहीं। झूठ बोलने में तो दिमाग लगाना पड़ेगा, झूठ बोलने में तो बहुत बुद्धि खर्च करनी पड़ेगी। अब इससे ये बोला है तो अब उससे ये बोलना है,
अब इसने पिछले बार मेरे से ये पूछा था तो मैंने ये बोला था, तो अगले बार इसको ऐसा बोलना है। झूठ बोलने में तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन सत्य बोलने में दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है। बहुत अच्छी बात है। चोरी करने में मेहनत लगती कि नहीं लगती? मेहनत लगेगी, बहुत दिमाग खर्च होगा, बहुत सावधानी से करनी पड़ेगी, और नहीं करेंगे तो डंडे पड़ेंगे, पकड़ में आ जाएंगे, डंडे पड़ेंगे चोरी करने में, है ना। और यदि चोरी नहीं करना हो तो बोलिए कुछ भी नहीं करना, आराम से रह रहे, निश्चिंत रह रहे। तो यानी सुख कहाँ है? पाप में सुख है कि पाप छोड़ने में सुख है? आप ब्रह्म करना हो तो भी मेहनत लगेगी, और ब्रह्मचर्य का पालन करना हो तो कोई मेहनत की जरूरत नहीं, कुछ करना ही नहीं है। अपने भाव अपने पास में रखो, किसी दूसरे के पास ले जाने की जरूरत ही नहीं। ब्रह्मचर्य के पालन में अपने ध्यान में लगे रहो, अपने ज्ञान में लगे रहो, अपने स्वाध्याय में लगे रहो। और अब्रह्म करना है तो अपने दिमाग को दुनिया भर में दौड़ाना पड़ता है, पाप होता ही होता है, और परिग्रह में उसमें भी पाप होता है। बिना पाप के परिग्रह इकट्ठा होता ही नहीं है। परिग्रह इकट्ठा करने में हिंसा भी होती है, झूठ भी बोलना पड़ता है, चोरी भी करनी पड़ती है, अब अब्रह्म होने की भी संभावना है, और परिग्रह तो पाप है ही। तो यदि पाप से बचना है तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनका सहारा लेना पड़ेगा। और लेना नहीं पड़ेगा, हम ऐसे ही हैं, और जो करना पड़ रहा है वो हम नहीं है। जहाँ कुछ नहीं करना पड़ता वो हम हैं। बात समझ में आई कि नहीं? भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान क्या कर रहे हैं? सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाप छोड़ने पड़ेंगे। फिर क्या करना पड़ेगा? पाप छोड़ दिया, अब क्या करना पड़ेगा? अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, अब शांति से बैठो। जब पाप छोड़ ही दिए, अब क्या करना नहीं पड़ेगा, अब होगा, जो हो रहा है वो अपने आप होगा। भगवान हाथ पे हाथ धरे, पैर पर पैर धरे, तो वो हिंसा कर रहे क्या? नहीं। झूठ बोल रहे क्योंकि मौन बैठे हैं, झूठ बोल रहे क्या? नहीं। चोरी कर रहे क्या? नहीं, वो तो ध्यान में बैठे हैं। अब्रह्म में कर रहे क्या? वो ध्यान में बैठे हैं। परिग्रह इकट्ठा कर रहे क्या? नहीं, ध्यान में बैठे हैं। तो सुख कहाँ है? पाप में है या पापों को छोड़ने में है? अरे बोलिए ना, पापों को छोड़ने में है। तो अनुव्रत आपने लिए कि नहीं लिए? अनुव्रत जरूर ले लेना। खैर अभी तो समय नहीं है, लेकिन यदि आप श्रावक हैं, यदि आप गृहस्थ हैं, आप महाव्रत धारण नहीं कर सकते हैं, तो अनुव्रत लिए बिना जीवन मत निकालना। यदि निकाल दिया तो ये मनुष्य शरीर पाना बेकार हो जाएगा। या तो अनुव्रत लो और या महाव्रत लो। महाव्रत बड़े हैं, उनको लेने में जरा दिक्कत सी हो रही है, तो चलो अनुव्रत तो ले लो। यदि ये भी नहीं लिए तो ये शरीर मिलना और नहीं मिलना, और यदि फिर अगली पर्याय मिलेगी फिर उसमें याद आएगा, ओहो मैंने तो अनुव्रतों का पालन भी नहीं किया, मैंने तो भगवान की पूजा भी नहीं करी, अभी मौका है। जब जागे तभी सवेरा। सारी जिंदगी गृहस्थी में मत लगाओ, कुछ समय ऐसा भी निकालो जो तुम्हारा अपना हो। तुम अपने लिए क्या करते? महिलाएं रोटी बनाती हैं, किसके लिए? परिवार वालों के लिए। पुरुष धन कमाते हैं, किसके लिए? परिवार वालों के लिए, है ना। अपने लिए क्या कर रहे हो तुम? 24 घंटे में से 10 मिनट भी बताओ जो तुम अपने लिए जीते हो। तुम्हारी अपनी पर्सनल जिंदगी क्या है? भाई आपसे पूछा जाए आप किसके लिए जी रहे हो, क्या कहोगे? बच्चों के लिए जी रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कि सोचते हैं भगवान इतना दुख है मर जाएं, मगर हम तो बच्चों का मुंह देख के जी रहे हैं। कहते नहीं, कहते अपने लिए नहीं जी रहे, परिवार के लिए जी रहे हैं, बच्चों के लिए जी रहे हैं, जबकि ये जिंदगी मिली है अपने लिए जीने को। हम सोच ही नहीं पा रहे कि हम जी क्यों रहे हैं, हमारा लक्ष्य ही नहीं है जीने का। हमने लक्ष्य परिवार को बना लिया, परिवार तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, वो यहीं रह जाएगा। तो हम अपने लिए क्या करें, क्या लक्ष्य बनाएं? अपने लिए 24 घंटे में से कम एक घंटा जरूर निकालें जिसमें किसी और के लिए ना सोचें, ना उनके लिए बातचीत करें,
ना उनके लिए कोई काम करें, कुछ नहीं, एक घंटा जो कुछ करेंगे वो हमारा होगा। उसमें आप चाहे पूजा करें, आप विधान करें, आप माला फेरें, कुछ भी करें, एक घंटा में आपको किसी के लिए नहीं देना। एक घंटा केवल तुम्हें खुद के लिए देना है। मेरी बात समझ में आ गई? अपने लिए जी सकते हो एक घंटा? अरे बोलिए ना, एक घंटे की जिंदगी अपने लिए जी सकते हो क्या? कौन कौन जी सकता है, हाथ उठाओ अच्छे से। एक घंटे की जिंदगी अपने लिए जीना है। 23 घंटे तुम्हारे नहीं, एक घंटा तुम्हारा। उठाइए उठाइए हाथ अच्छे से, जो टीवी में देख रहे हैं वो भी उठा ले। ये लड़की ने हाथ नहीं उठाया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। समझ में तो आई ना मेरी बात? बहुत अच्छी बात है। एक घंटा अपने लिए जीना है। अब उस एक घंटे में तुम क्या कर रहे हो, ये तुम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देती हूँ कि आप स्वाध्याय कर रहे हो, कि प्रवचन सुन रहे हो। यानी मान लो गाँव में साधु आए हैं और यदि आप प्रवचन सुनते हो तो वो एक घंटा आपका ही होगा। उसमें अलग नहीं मानूंगी मैं, वो आपका ही है। चाहे आधा घंटा प्रवचन सुना, आधा घंटा कुछ और कर लो। आप आधा आधा घंटा करके दो बार भी कर सकते हो। एक घंटा एक साथ में नहीं कर पाओ तो दो बार भी कर सकते हो, ठीक है ना? तो आज आपने एक बहुत बड़ी चीज ग्रहण की है। आज से आपकी जिंदगी शुरू हुई है। किसकी बोलिए ना? आज से आपकी एक घंटा की जिंदगी शुरू हुई है। अभी तक जो आप जी रहे थे वो अपने लिए नहीं जी रहे थे। अब केवल एक घंटे ही तो निकाला है, 23 घंटे तो अभी भी हम दूसरों को दे रहे हैं, है ना? समय हो गया है। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तो यहाँ पर पंच कल्याणक होने जा रहा है, 31 जनवरी 2020, 20वें तीर्थंकर का। 2020 में 20वें तीर्थंकर का पंच कल्याणक, विधि नायक मुनि सुब्रत नाथ भगवान होंगे। इसलिए मुनिश्रुत जैसे कहते हैं ना, आदिनाथ जिन बिंब, तो विधि नायक कहलाते हैं, उनका नाम लिखा जाता। यहाँ जो विधि नायक होंगे वो मुनि सुब्रत नाथ भगवान होंगे। मेरे ख्याल से भारत में अभी तक मुनि सुब्रत नाथ भगवान का पंच कल्याणक विधि नायक के रूप में नहीं हुआ होगा। अभी पार्श्वनाथ जी का सुन लिया, नैमिनाथ जी का सुन लिया, आदिनाथ जी का तो होता ही है ना? लेकिन मुनि सुब्रत नाथ भगवान का ये पहला पंच कल्याणक है जो मुनि सुब्रतनाथ विधि नायक होंगे और उनका पंच कल्याणक किया जाएगा। क्योंकि सारी प्रतिमाएं तो वो नहीं कर सकते, तो एक को विधि नायक बनाया जाता है, एक प्रतिमा, तो उसमें मुनि सुब्रतनाथ भगवान है। तो आप लोग तो आओगे नहीं आओगे पंच कल्याणक में? कौन कौन आएगा अच्छे से हाथ उठाकर बताओ। वाह, औरंगाबाद वाले सारे बच्चों ने हाथ उठा, कुछ बच्चों ने हाथ उठाया, सारे ने नहीं उठाया है। हाँ बहुत अच्छा, महिलाएं नहीं आएंगी? और टीवी में देखने वाले आएंगे? बहुत अच्छी बात है, है ना? और यदि आपके पास टाइम हो क्या हो, 7 दिन का टाइम यदि अपने लिए निकाल सको तो यहाँ आ जाना। 5 दिन का, 6 दिन का, जितना भी टाइम यहाँ जो पंच कल्याणक में बैठोगे वो आपका अपना टाइम होगा, वो आपकी अपनी जिंदगी होगी, वो आप अपने लिए जियोगे। यहाँ जो पंच कल्याणक में बैठेंगे वो 7 दिन आपके अपने पर्सनल होंगे, किसी और के नहीं होंगे। तो यदि हो जाए ऐसा तो कितना बढ़िया रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा, जोर से बोलो ना, रहेगा ना? तो भाव बन रहे हैं। देखो, थोड़े काम इधर, थोड़े काम उधर, और बीच के 7 दिन इधर। यदि घर में शादी भी होती है तो 5-7 दिन लगते नहीं लगते हैं? लगते हैं ना? तो भी दुकान वगैरह छोड़ते नहीं छोड़ते? यही सोच लो कि ये भी इसी तरह से है। वो संसार की शादी है, ये आत्मा की शादी है, भगवान के साथ में, है ना? शादी का मतलब संबंध, शादी का मतलब संबंध। वहां संबंध जोड़ना है तो भी 7-10 दिन लगते हैं, और यहाँ संबंध जोड़ना है तो भी 7 दिन तो लगेंगे कम से कम। तो आप लोग जरूर पंच कल्याणक में अभी से भाव बनाए। जिस क्षण से आपने भाव बनाए उसी क्षण से आपका पुण्य शुरू हो जाएगा, है ना?
यानी आपने खाता खोल दिया, किसका खाता, पुण्य का खाता, अब उसमें से ब्याज अपने आप बढ़ता रहेगा। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, बर्फ के गलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। और कहाँ से आए हैं? आम की बोर का, अंगुली में पोर का, और आने वालों में इंदौर का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और महाराष्ट्र इस्लामपुर का, पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, और आने वालों में सागर का, महिलाओं में आटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का। हो गए सारे? तिलगांव राजा, अच्छा, बजाने में बाजा का, करने में काजा का, और आने वालों में तिलगांव राजा का, अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में गुना का, करावली, अच्छा, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में करावली का। हो गए सारे? बस आए क्या वहां से? कहां से? अंबड़, नहीं करने में गड़बड़ का, वृक्षों में बड़ का, और आने वालों में अंबड़ का। बोलिए चौबीसों भगवान की।